अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो हमारे पास इसमें कुछ फ्यू यूजेस की हम बात करेंगे। ये हमारे पास पहला यूज इसका क्या है, तो पहला यूज इसमें हमारे पास ये है कि जो हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर होते हैं वो हमारे पास यूज़ के लिए उसे हम यूज़ करते हैं मैयर करने के लिए चेंज इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइसेस, यानी कि हमारे पास पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइसेस पड़ी होती हैं उनके चेंजिंग के लिए हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। और जो हमारे पास ये हमें क्या करते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं हमें कंपेयरिंग करने में किस चीज़ में, द मूवमेंट मूवमेंट इन प्राइस ऑफ वन कम्युनिटी विद अदर, एक कम्युनिटी की दूसरी कम्युनिटी के साथ प्राइस की कंपेयरिंग के लिए हमें क्या कर रही होती है, कंपेरिजन में हमें मदद देती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ये आल्सो यूज हमारे पास होते हैं मैयर करने के लिए चेंज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी के लिहाज से भी। आप देखें ना एक चीज़, एक मजदूर भी अगर हमारे पास वेजेस ले रहा है, अगर 1980 के अंदर ले रहा हो, फिर उसके बाद में आप 2001 के अंदर ही चले देख रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर आप परचेजिंग पावर यानी कि आप क्या देख सकते हैं कि हमारे पास की चीज़ें क्या हो रही हैं, किस लिहाज से चेंज हो रही है, उसकी बाइंग पावर ऑफ मनी हमारे पास कितनी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी का भी आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि एक बंदा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आपने देख लिया निकाला है, तो एक बंदा 2020 के अंदर वो बकेट ऑफ जो हमारे पास थिंग्स है वो ले रहा है, तो अब उसे उतने चीज़ों में पैसों के अंदर वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, तो इस चीज़ों के अंदर हमें क्या कर रहा होता है, ये मदद दे रहा होता है। अब इस तरह हमारे पास जो सेकंड पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारे पास होती है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है चेंज ऑफ मेजर ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन अ कंट्री। अब देखें एक इंडस्ट्रियल हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रही है उसे हमें पता चल जाएगा 2000 में कितनी हो रही है, 2001 में कितनी हो रही है, या अब 2020 है तो उसमें कितनी हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है कि हमें मैयर करके दे देगा चेंज में लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन अ कंट्री, के एक कंट्री के अंदर हमारे पास कितनी लेवल ऑफ हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है, 2000 में इतनी हुई थी, 2001 में इतनी हुई है, 2020 में इतनी हो रही है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास अब जो थर्ड है इसमें, अब हमारे पास हमने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी देखे थे ना अगर आपको याद हो, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अगर हम थर्ड देखें तो उसमें हमें बता रहा है कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हमें शो करवा रहा होता है राइज और फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के वॉल्यूम में ये कितनी हमारे पास राइज आ रही है या फॉल आ रही है, या हमारे पास वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हमारे पास इस तरह की चीज़ों के बारे में बता रहा है कि आप देखें ना कि हम अपने मुल्क से बाहर कितनी चीज़ें भेज रहे हैं, अब 2021 में इतनी, 2021 में इतनी भेज रहे हैं, 20 में इतनी थी, 21 में इतनी थी, तो इस तरह आप क्या कर सकते थे, कंपैरिजन कर सकते थे। तो इस तरह आप इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को दोनों को भी देख सकते थे, और ये भी देख सकते थे कितना राइज और फॉल आ रहा है। तो फोर्थ वाला भी इसी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही है कि हमारे पास जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्सेस होते हैं वो हमारे पास अब क्या हमारे पास यूज़ हो रहे होंगे मैयर करने के लिए चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। एक हमारे पास जो कंट्री की ट्रेड है उसे पता चल रहा है ना कि हमारे पास 2001 के अंदर इतनी ट्रेडिंग हो रही है, 2 के अंदर इतनी हो रही है, 3 के अंदर इतनी हो रही है, तो वो प्रीवियस ईयर्स के साथ भी क्या कर सकता था, उसका कंपेरिजन कर सकता था। अब यानी कि अब इसकी तरह वो हमारे पास रेशो निकाल के, तो उसे क्या हो रहा पता चल जाएगा ना कि अब इम्पोर्ट्स मुझे ज़्यादा चाहिए या एक्सपोर्ट्स मेरे पास कैसे यानी कि हैंडल कर रहा हूँ, पिछली दफ़ा मेरे पास कितनी थी, अब मेरे पास कितनी आ रही है, फर्दर मैं क्या करूँ, तो वो उसमें उसे क्या होगा, फ़ायदा होगा। फिर अब हमारे पास इसमें फिफ्थ ये हमें बताता है कि जो हमारे पास इंडेक्स नंबर होते हैं वो और यूज़ किए जाते हैं फोरकास्ट यूज टू फोरकास्ट बिजनेस कंडीशंस ऑफ अ कंट्री एंड टू डिस्कवर सीजनल फ्लक्चुएशन एंड साइक्लिकल बिजनेस साइकिल्स। तो आप देखें तो आप एक बिजनेस कंडीशन ऑफ अ कंट्री के लिए आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन की पहले हमने बात की है, तो अब देखें हमारे पास प्रोडक्शन का हमें पता चल जाए कि 2001 के अंदर कितनी थी, 2002 के अंदर कितनी थी, अब साथ में अगर आपको पॉपुलेशन का भी पता हो तो अब ये आगे फूड वालों का या जिनका भी काम है वो देख सकते हैं ना। अब आपको आपने उन्हें डाटा दे दिया है और आपने ये भी बता दिया कि इस वक्त ये इतने लोग थे, अब इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने लोग थे, अब हमारे पास इतनी ज़्यादा पैदावार है, तो ये उनका काम है, उन्होंने देखना है कि किस तरह इन्हें हैंडल करना है, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने उन्हें डाटा मुहैया कर दिया जिसकी वजह से यानी कि वो एक
बेहतर, यानी कि हमारे पास फोरकास्टिंग के लिए यूज़ हो रहा है, उन्हें चीज़ों का पहले पता चल रहा है, कितनी एजुकेशन यानी कि एजुकेशनल स्कूल होने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए या जो भी चीज़ें चाहिए उनके लिए वो देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये सीजनल फ्लक्चुएशन, सीज़न के लिहाज से चीज़ें जो हमारे पास होती है, बिजनेस साइकिल यानी कि उतार चढ़ाव। बिजनेस साइकिल हमारे पास इस तरह होता है, यानी कि एक दफ़ा पीक पर फिर ट्रॉफ पर आता है, फिर पीक पर चला जाता है हमारे पास, तो इस तरह यानी कि इसे भी वो देख सकते हैं। फिर तो इसका मतलब ये है ना कि एक दफ़ा हमारा बिजनेस बिजनेसमैन है, उसे पता है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, या हमारे पास अब बिजनेस उसका नीचे जा रहा है, या फिर हमारे पास जो सीज़न के लिहाज से अब उसका बिजनेस ऊपर जा रहा है, तो वो भी हमारे पास क्या है, उसकी भी प्रोडक्शन, वो फोरकास्टिंग क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जो इंडेक्स नंबर होता है उसे हम यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए, इनरोलमेंट चेंजेस, इंटेलिजेंस क्वोशंट्स। उसके अलावा हमारे पास जो परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स है, आप देखें ना कि टेस्ट स्कोर ये है, या हमारे पास अब हमारे पास ये देखें, एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस साल कितनी इनरोलमेंट थी, पिछले साल कितनी इनरोलमेंट थी, पिछले साल कितनी इनरोलमेंट थी, तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते थे। या हमारे पास आप देखें, हमारे पास परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते थे कि हमारे पास पिछले 10 ईयर के अंदर हमारे पास बोर्ड की पोजीशन या कितनी पोजीशन इस तरह आई हैं, तो आप उनका भी कंपैरिजन कर सकते थे, या इस तरह की चीज़ों का भी कंपैरिजन हमारे पास हो सकता था ना। तो ये हमारे पास क्या यूजेज है, एक हमारे पास अब ये यूज रह गया इसका लास्ट वाला। तो ये जो लास्ट वाला हमारा रह गया, इसमें हमारे पास अगर आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर याद हो, तो जब हमारे पास जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर होता है वो हमारे पास इंडिकेट क्या कर रहा होता है, मूवमेंट इन रिटेलर रिटेल प्राइसेस, जो हमारे पास जो रिटेल प्राइसेस जो हमारे पास गलियों में, या जो आपके पास ये मोहल्लों वगैरह में हमारे पास जो दुकानें होती हैं, या हमारे शहर में जो दुकानें हैं उसमें हमारे पास जो प्राइसेस है वो क्या है, प्राइसेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज क्या है हमारे पास, तो उससे अब हमारे पास क्या फ़र्क, यानी कि मदद हो रही गवर्नमेंट को उसमें, हमारे पास इन ये मूवमेंट्स, दीज मूवमेंट्स इन प्राइसेस हेल्प गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग इट्स पॉलिसीज। तो देखें हमारे पास वो इन अब जो हमारे पास मूवमेंट्स हैं उन्हें रिटेलर की प्राइसेस का पता चल गया, तो उस लिहाज से वो हमारे पास क्या है, वो पॉलिसीज बना सकती है एंड इन टेकिंग अप्रोप्रिएट इकोनॉमिकल मेजर, यानी किस तरह चेंज आ रही है इकोनॉमिक लिहाज से, लोगों को कितने वेजेस देने हैं, बोनस देने हैं वगैरह, या हमारे पास चीज़ों की किस चीज़ किन चीज़ों की वैल्यू कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके। और इसके अलावा अगर हम देखें ना, तो इसे अब ये यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसे रीएडजस्ट भी कर सकते हैं वेजेस को, और इसके अलावा हमारे पास अडोप्ट करने के लिए जो हमारे पास मेयर ऑफ रिलीफ आया, रिलीफ देंगे वो किस तरह देंगे, हमारे पास डेयर अलाउंस दे देंगे, हमारे पास बोनसेस दे देंगे एम्प्लॉयज़ को, और ये क्यों कर रहे होंगे, वो हमारे पास जो इंक्रीज कॉस्ट के अंदर आई है, ताकि वो हमारे पास उसे क्या कर सकें, उसे मीट कर सकें, यानी कि वो चीज़ों को खरीद सकें जो हमारे पास चीज़ों के अंदर इंक्रीज आई है मिल्स की वजह से, या इंडस्ट्रियल यानी कि चीज़ों की वजह से जो हमारे पास इंक्रीज आ रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।